अब कुछ उन शब्दावली पर नजर डालते हैं जो इस पूरे अध्याय में हमको सुनने को मिलेगी, जिनके बारे में प्रश्नों को बनाने से पहले या कंपनी संबंधी लेखे करने से पहले हमको जान लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है अंश। अंश यानी कि शेयर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी चीज़ में अंश होना, उसका हिस्सा होना, उसका एक भाग होना। तो जब हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंशों का मतलब होता है किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का हिस्सा, उसका भाग, उसका शेयर यानी कि अंश। कोई भी कंपनी पूंजी एकत्र करने के लिए अपने अंशों को बेचती है और जो भी व्यक्ति उन अंशों को खरीदता है वो उसका अंशधारी कहलाता है। आइए एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को अपने संचालन, कंपनी के संचालन के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है। वो इस 1 लाख रुपए की पूर्ति के लिए अपने 10,000 अंशों को जनता को बेचती है, तो 10,000 अंशों को वो निर्गमित करना चाहती है। एक अंश जो है वो 100 रुपए का है, तो ये जो 10,000 अंश हैं ये वो जनता को बेचेगी और जो भी व्यक्ति इन अंशों को खरीदेगा वो इस कंपनी का अंशधारी बन जाएगा। दूसरी शब्दावली जो हमको सुनने को मिलेगी वो होगी इन अंशों का प्रकार, यानी कि समतांश और पूर्वाधिकार अंश। समतांश के बारे में हम जाने तो समतांश साधारण अंश होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार के लाभांश के भुगतान का कोई प्राथमिक अधिकार नहीं होता है। और पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, इनको लाभ का हिस्सा प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को हिस्सा दिया जाता है, उसके बाद ही समतांशधारी यानी कि साधारण अंशधारियों को लाभ का हिस्सा दिया जाता है। अगली जो शब्दावली यहाँ पर आएगी वो हो जाएगी स्कंध। स्कंध भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर जब कंपनी के जो अंश होते हैं उन पर पूरी राशियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वो जो अंश होते हैं उनको हम स्कंध में तब्दील कर देते हैं। किस तरह से पूरी राशियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कब वो जो एक अंश है वो स्कंध बन जाता है, उसको आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर जनता को निर्गमित किए, एक अंश जो है वो 10 रुपए का है। ये 10 रुपए कंपनी एक बार में प्राप्त नहीं, मांग नहीं लेती है जनता से। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे कंपनी इन अंशों पर राशि मांगती है। ये जो 10 रुपए है ये कई हिस्सों में बटा होता है। जैसे मान लीजिए 2 रुपए आवेदन पर, यानी जब भी जितने लोग आवेदन करेंगे अंशों को खरीदने के लिए वो 2 रुपए साथ में देंगे। दूसरा मान लीजिए 3 रुपए आवंटन पर, यानी जब कंपनी उनको अंशों को अलॉट करेगी, आवंटित करेगी, तब 3 रुपए उनसे लेगी। उसके बाद कंपनी याचना करती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे जब जरूरत, जितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को उतना वो कॉल कर सकती है। जैसे मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल 3 रुपए के लिए किया और बच गई जो राशि 2 रुपए वो उसने सेकंड कॉल पे मांग ली, यानी द्वितीय याचना पर मांग ली। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ पैसे आवेदन पर मिले, कुछ आवंटन पर मिले, कुछ प्रथम याचना पर मिले और कुछ द्वितीय याचना पर प्राप्ति किए। तो ये सभी राशियां जब एक साथ प्राप्त हो जाती है, इस 10,000 अंश पर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए जब कंपनी को पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा तो ये जो 10,000 शेयर है ये स्टॉक यानी कि स्कंध में तब्दील हो जाएंगे। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं अधिकृत पूंजी। अब पूंजी जो होती है वो कंपनी की वो कुछ भागों में बटी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी और दत्त पूंजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कि क्या है अधिकृत पूंजी। आगे अध्याय में हम इसको और विस्तार से समझेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम शब्दावली के अंतर्गत केवल इसके आशय को जानेंगे।
अधिकृत पूंजी यानी कंपनी की वो अधिकतम पूंजी जिससे ज्यादा के अंश कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, मैक्सिमम जो पूंजी है, उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं निर्गमित पूंजी, यानी जितने के लिए अंशों का निर्गमन किया गया वो निर्गमित पूंजी कहलाएगी। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं प्रार्थित पूंजी, निर्गमित किए गए अंशों में से जितने को खरीदने के लिए जनता से एप्लीकेशन आए, प्रोसेस के अकॉर्डिंग शेयर को बेचा जाता है, सबसे पहले जो कंपनी है वो अपने अंशों को निर्गमित करने के लिए एक प्रविवरण जारी करती है और जनता उसके आधार पर अंशों को खरीदने के लिए एप्लीकेशन देती है, यानी कि आवेदन देती है और फिर उन आवेदनों के आधार पर आवंटन किया जाता है और याचनाएँ की जाती हैं। तो निर्गमित पूंजी में से जितने अंशों के लिए जनता आवेदन करती है वो सभी प्रार्थित पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पर हम देखते हैं याचित पूंजी, जिन अंशों के लिए आवेदन किए गए उन अंशों में से जितनी राशि के लिए पैसे मांगे गए, हमने पहले देखा कि एक साथ कंपनी पूरे पैसे नहीं लेती है, टुकड़ों में लेती है, तो जितनी राशि के लिए जितने पैसे जनता से अंशों पर मांगे गए वो याचित पूंजी के अंतर्गत आएगी, और इसमें से याचित पूंजी में से जितना पैसा जनता ने चुका दिया, कंपनी को जितना पैसा मिल गया, वो दत्त पूंजी के अंतर्गत आएगी। तो इन सभी बिंदुओं को हम कंपनी के पूंजी के प्रकार के अंतर्गत समझ सकते हैं, आगे हम इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ में अब ये जो अंश होते हैं उनके कुछ मूल्य होते हैं जिसे हम कहते हैं अंशों का मूल्य, ये मूल्य सब मूल्य कहलाते हैं, कई बार ये प्रीमियम कहलाते हैं और कई बार बट्टे पर आधारित कहलाते हैं। तो क्या है अंशों का सब मूल्य, क्या है प्रीमियम के साथ मूल्य और क्या है बट्टे के साथ मूल्य, एक उदाहरण के तौर पर हम इसको जानेंगे। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 अंश 10 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किए, तो 10 रुपये प्रति अंश जो है वो कंपनी का सम मूल्य यानी कि फेस वैल्यू कहलाएगी। लेकिन जब इन्हीं अंशों को, इन 10 रुपये के अंशों को कई बार कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, उसके शेयर्स की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, तो कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पे इशू करती है। ऐसी कंडीशन में ये जो 10 रुपये के शेयर हैं वो 10 रुपये से ज़्यादा पे इशू किए जाएंगे, हो सकता है 11 रुपये पे इशू किए जाए या 12 रुपये पे इशू किए जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस पर जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है वो प्रीमियम कहलाती है। जैसे यहाँ पर 10 रुपये के शेयर 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए जाएँ तो इन अंशों का मूल्य 10 की जगह 12 रुपये हो जाएगा, ये प्रीमियम पे निर्गमित अंश माने जाएंगे। तीसरा जो इसका प्रकार है बट्टे पर निर्गमित अंश, कई बार कंपनी की कंडीशन ऐसे होती है कि वो अपने अंशों को बट्टे पर डिस्काउंट पे इशू करती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 रुपये वाले एक अंश है, 10 रुपये इसका सम मूल्य है, जब हमने ज़्यादा पर बेचा तो वो प्रीमियम के साथ आया, और जब हम इसको कम कर देंगे तो वो जो घटा हुआ मूल्य है इस शेयर का वो बट्टे का मूल्य कहलाएगा, यानी कि इस 10 रुपये के शेयर्स को मान लीजिए हमने 8 रुपये में बेचा, मान लीजिए कंपनी 8 रुपये में बेच रही है, तो 2 रुपये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, 10 और 8 के बीच का जो 2 रुपये डिफरेंस है वो बट्टा कहलाएगा, और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बट्टे पर अंशों का निर्गमन किया गया। अगला यहाँ पर हम देखेंगे जब कोई कंपनी अंशों को निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है तो उन प्रविवरण के आधार पर जनता जो है उन अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन करती है। कई बार क्या होता है कि जितने अंशों के लिए आवेदन किया गया है उतने ही जितने अंशों के लिए के निर्गमन के लिए प्रविवरण जारी किया गया है उतने ही अंशों के लिए आवेदन आते हैं, लेकिन कई बार उससे ज़्यादा के अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं और कई बार उससे कम के अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो दशाएं बनती हैं ज़्यादा या कम आवेदन आने की, इसमें एक दशा होती है अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन,
एक उदाहरण से हम ओवर सब्सक्रिप्शन अति अभिदान को अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 अंशों के लिए जनता को आमंत्रित किया, लेकिन जनता से 12,000 अंशों के लिए आवेदन आए। कई बार कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी होती है, उसकी साख इतनी अच्छी होती है कि हर व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है। एक्चुअली जब शेयर खरीदने की बात आती है तो हर कोई कंपनी का ग्रोथ रेट देखता है, कितना वो डेवलप कर रही है इसको देखता है। तो कुछ कंपनियां जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही होती हैं उनके अंशों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन कंपनियों के शेयर जब इशू किए जाते हैं, अंशों का जब निर्गमन करना होता है, तो आवेदन जो होते हैं वो निर्गमित जो उनके अंशों की संख्या होती है, मैक्सिमम शेयर जो उसके पास होते हैं उससे ज़्यादा के लिए आवेदन आते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी 10,000 अंशों को निर्गमित करना चाह रही है, लेकिन एप्लीकेशन 12,000 अंशों के लिए आ गए। तो 2,000 ये जो डिफरेंस है, जो ज़्यादा के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अति अभिदान। दूसरी इसकी जो कंडीशन बनती है, इसकी अपोजिट, जिसे हम कहते हैं अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। कई बार कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं रहता है, और उस कंडीशन में जब कंपनी जनता को आमंत्रित करती है अंशों को खरीदने के लिए, तो उसके अंश बिक नहीं पाते हैं, या जितना वो बेचना चाहती है उतने अंश नहीं बिक पाते हैं, कुछ अंशों के लिए जनता से आवेदन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 10,000 अंश कंपनी निर्गमित करना चाहती है, लेकिन केवल 8,000 अंशों के लिए ही आवेदन आ पाए, तो 10 में से 8,000 अंशों के लिए आवेदन आए, यानी कि कम अंशों के लिए आवेदन आए, तो ये जो स्थिति बनती है, ये जो कंडीशन बनती है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि अल्प अभिदान की स्थिति। अगला जो बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे वो है अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एरियर। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि कॉल जो है वो एरियर है, याचना जो है वो अवशिष्ट है। अंशों पर कंपनी जब अंशों के मूल्य को मांगना प्रारंभ करती है, तो कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो बार बार मांगने पर भी किसी कारणवश उस अंश पर जो उसकी अमाउंट ड्यू रहती है उसको नहीं दे पाते, तो वो जो याचनाएं रह जाती है वो अवशिष्ट रह जाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था 10,000 अंशों को कंपनी निर्गमित करती है, एक अंश 10 रुपये का है, और इस पर जो राशियां हैं वो इस प्रकार दे हैं, 3 रुपये आवेदन पर मिलना है, 2 रुपये आवंटन पर मिलना है, 3 रुपये प्रथम याचना पर मिलना है, और 2 रुपये अंतिम याचना पर मिलना है। एक उदाहरण से हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना की राशि तो प्राप्त हो गई, हमारे पास अंशधारी 10,000 हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन कुछ अंशधारी ऐसे थे, जैसे यहाँ पर उदाहरण से हम देख रहे हैं कि 500 अंशों के अंशधारी ऐसे थे जिन्होंने सेकंड कॉल यानी द्वितीय याचना नहीं दी, मांगने पर भी नहीं दी, तो ये जो स्थिति कहलाएगी 500 अंशधारियों की, जिसने 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये जो है वो द्वितीय याचना की राशि नहीं दी है, ये जो राशि कहलाएगी अवशिष्ट याचना कहलाएगी, या कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। इसी उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस। इसी उदाहरण से हम देखते हैं कि क्या होता है कि कई बार कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी राशियों का भी भुगतान कर देते हैं जिनके बारे में कंपनी ने अभी तक कोई डिमांड नहीं की है, कुछ भी नहीं मांगा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जबकि हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये अंतिम याचना पर है। 500 अंशों के अंशधारी ऐसे थे जिन्होंने ये जो अंतिम याचना पर 2 रुपये देना था उसको उन्होंने प्रथम याचना के समय ही दे दिया, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया था तभी उन्होंने दे दिया, तो ये एडवांस पेमेंट उन्होंने कर दिया, सीधी सी बात है एडवांस उन्होंने दे दिया, तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। तो जिस तरह अवशिष्ट याचना यानी कि मांगा और नहीं दिया, और उसका जस्ट अपोजिट हमने यहाँ पर देखा अग्रिम याचना, मांगा नहीं फिर भी मिल गया, दोनों ही कंडीशंस पे अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं।
किस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको हम आगे अपने चैप्टर्स में और अच्छे से विस्तृत तौर पर जानेंगे। अगला जो हमको यहाँ पर बिंदु देखने को मिलेगा वो होगा अंशों का हरण, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम देखते हैं 10,000 अंशों के अंशधारी थे, 10 रुपये का एक अंश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के अमाउंट दी गई है। कई बार क्या होता है कि कुछ कॉल्स पे अलॉटमेंट पे कंपनी बार बार पैसे मांगती है अंशधारियों से, लेकिन वो पैसे अंशधारी नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनके अंशों का हरण कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, उनसे छीन लेती है। यही कहलाता है अंशों का हरण। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा 500 अंशों का एक अंशधारी ऐसा है जो सेकेंड कॉल को नहीं दिया, जिसने बार बार मांगने पर भी उसने सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी और एक जर्नल एंट्री अलग से पास करेगी, जिसे हम आगे अपने अध्याय में देखेंगे। तो ये कहलाता है अंशों का हरण, अंशों को छीन लेना। अगला और लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम जो देखेंगे वो होगा अंशों का समर्पण। यहाँ पर हरण नहीं होता, समर्पण होता है, यानी किसी कारणवश कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो और आगे इस कंपनी में अपना हिस्सा नहीं रखना चाहते और स्वेच्छा से अपनी खुशी से वो अपने अंशों को कंपनी को समर्पित कर देते हैं। तो ये कहलाता है अंशों का समर्पण। बच्चों, जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि हमने एक दूसरे को कंपनी दी, या हम एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, साथ में बैठते हैं, किसी विषय पर बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जब हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं या एक संघ बनाते हैं, ठीक इसी तरह कंपनी भी एक विधान द्वारा निर्मित व्यक्तियों का समूह है, यानी हम कह सकते हैं कि एक संघ है, एक ग्रुप है जिसमें कुछ सदस्य, कुछ लोग आपस में मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करते हैं, या कहा जाए तो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एकत्र होते हैं, संगठित होते हैं और उस कार्य को करते हैं। वास्तव में कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि हालांकि वो व्यक्ति की तरह है लेकिन कृत्रिम है, विधान द्वारा निर्मित है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल एक व्यक्ति की भांति ही होते हैं। कंपनी को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम इसके कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, इसकी एक सार्वमुद्रा होती है और इसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अनुसार कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हो, या ऐसे विद्यमान कंपनी से है जिसका निर्माण या पंजीयन इससे पूर्व के कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत हुआ हो। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी सार्वमुद्रा होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन निर्माणित कंपनी अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। पूर्ववर्ती कंपनी से हमारा आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्री पिछले कंपनी अधिनियम में से किसी के अधीन की गई हो। तो आपने देखा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत और विभिन्न विद्वानों के अंतर्गत कंपनी के संबंध में जो परिभाषाएं दी गई हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि इसका अस्तित्व इसके स्वामी से अलग होता है। स्वामी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है जबकि कंपनी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तो उसकी जो पूंजी होती है, भले ही वो उसके जेब से निकली हो, लेकिन फिर भी वो पूंजी के रूप में अलग से कंपनी में आती है और दायित्व कहलाती है। तो इन सब बिंदुओं को हम और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम कंपनी के विशेषताओं को जान लें। आइए देखते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमने परिभाषा में देखा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। भले वो कृत्रिम है लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह वो कार्य करती है, अपनी संपत्तियों को बाहर बेच सकती है, बाहर की संपत्तियों को वो खरीद सकती है। विधान के अंतर्गत जो लेखे जोखे होते हैं उन सभी कार्यों को कंपनी अपने मुद्रा, अपनी सार्व मुद्रा, अपनी सील के अंतर्गत कर सकती है। तो ये माना जा सकता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और विधान द्वारा उसका निर्माण होता है। दूसरा, हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि अनुबंध है। बहुत सारे लोग जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो ऐसे नहीं कि वो लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर वो काम करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो भविष्य में आगे चलकर बहुत सी समस्याएं, बहुत से वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि इन सबके बीच सबसे पहले आपस में एक अनुबंध या ठहराव कर लिया जाता है और इन अनुबंध और ठहरावों को एक लिखित रूप दे दिया जाता है, जिन्हें हम पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन्हीं अनुबंधों के अधीन कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो सब मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। तीसरी, इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि वाद प्रस्तुत कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी एक व्यक्ति की तरह होती है। यही कारण है कि अगर किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़े तो कंपनी अपनी ओर से न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत, कोई केस प्रस्तुत कर सकती है। अगले, इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि इसकी अपनी सार्व मुद्रा होती है, यानी इसकी अपनी एक सील होती है। जब भी कंपनी की ओर से कोई कार्य किया जाता है, कोई अनुबंध, कोई समझौता किया जाता है या कोई लेन देन किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले कंपनी की सील को यूज़ करना ज़रूरी होता है, कंपनी की सार्व मुद्रा को अंकित करना ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा प्रलेख जिस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तो हैं लेकिन कंपनी की सार्व मुद्रा यानी कि कंपनी की सील उस पर नहीं लगी हुई है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस प्रलेख पे लिखी गई किसी भी बात के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि वो व्यक्ति जिसने उस पर सिग्नेचर किया है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरी, इसकी विशेषताओं को हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका दायित्व तो जो होता है सीमित होता है। हमने कंपनी अधिनियम की परिभाषा में भी और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में भी देखा, सभी ने माना है कि कंपनी का जो दायित्व तो होता है वो सीमित होता है। तो कहाँ तक सीमित होता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का के सदस्यों का जो दायित्व तो होता है वो उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है। प्रत्येक अंशधारी जितने भी अंशों को खरीदता है उस अंश मूल्य तक वो उस कंपनी में अपना हित रखता है, उस अंश मूल्य तक वो कंपनी का एक स्वामी बन जाता है। तो जितने के वो अंश खरीदता है उतने का उसका स्वामित्व होता है, तो दायित्व भी उसका उतना ही होता है जितने के अंश उसके पास होते हैं। अंश क्या है और किस प्रकार इनका क्रय विक्रय किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, हम देखते हैं कि इसका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना कि कंपनी का जो स्वामी होता है उसका अस्तित्व कंपनी से पृथक होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब वो पूंजी लाता है तो हमको ये लगता है कि कंपनी का जो स्वामी है उसने खुद पूंजी लाई, तो फिर वो दायित्व क्यों है? उसका दायित्व इसीलिए बनता है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व से स्वामी का अस्तित्व पृथक होता है। उस स्वामी ने कंपनी के लिए जो पूंजी लगाई है अब उसका उत्तरदायित्व है कि उस पूंजी को वो धीरे धीरे करके वसूल करे, यानी कि जब वो प्रोडक्शन का कार्य, यानी कि जब वो कंपनी के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कंपनी के कार्यों को आगे बढ़ाएगा तो धीरे धीरे उसकी पूंजी की राशि जो है वो लाभ के रूप में परिवर्तित होकर उसे प्राप्त होगी। अगला, हम यहाँ पर इसकी विशेषताओं के रूप में कह सकते हैं कि इसमें निरंतर उत्तराधिकार जो है वो हस्तांतरित होते रहता है। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनको कंपनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है और उनके ना रहने पर उन्होंने जिसको अपना नॉमिनी, जिसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है उनको कंपनी का ये जो उत्तराधिकार होता है वो सतत लगातार उनको हस्तांतरित होता रहता है। साथ ही इसकी एक विशेषता हम ये भी देखते हैं कि कंपनी अस्थायी होती है। कोई भी व्यक्ति अंश खरीदकर उस कंपनी का अंशधारी सदस्य बन सकता है
और ठीक इसी तरह वो अंशों को बेचकर अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो सदस्यता होती है वो अस्थायी होती है। साथ में हम देखते हैं कि इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर अंशों का हस्तांतरण होता है। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति अंशों को खरीदकर अंशधारी बन सकता है, बेचकर सदस्यता को समाप्त कर सकता है, कंपनी से बाहर जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को भी वो कर सकता है, यानी अपने शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और ऐसी दशा में अब वो व्यक्ति जिसने अपने अंशों को दूसरे को हस्तांतरित कर दिया वो कंपनी का सदस्य नहीं होगा, बल्कि जिसने उसके अंश खरीद लिए, ले लिए या हस्तांतरण द्वारा प्राप्त कर लिए, अब वो व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाएगा। इसी तरह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, कंपनी की अपनी एक सील होती है, जिसके बारे में हमने संक्षेप में पहले भी देखा। तो क्या होती है ये सार्वमुद्रा, क्या होती है सील? वास्तव में ये कंपनी का एक अधिकृत हस्ताक्षर होती है, क्योंकि कंपनी व्यक्ति तो है लेकिन वो कृत्रिम व्यक्ति है, हस्ताक्षर वो प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं सकता। तो कंपनी के नाम से एक सार्वमुद्रा या सील बना दी जाती है और इस सील को ही कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षर मान लिया जाता है। जिन प्रलेखों में, जिन लिखित दस्तावेजों में कंपनी की ये सील लगी होती है, वहाँ पर ये माना जाता है कि उन प्रलेखों के लिए कंपनी उत्तरदायी है, लेकिन जहाँ पर ये सील लगी नहीं होती है वहाँ पर कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं रहता है। साथ में हम ये देखते हैं कि ये जो सार्वमुद्रा या सील होती है उस पर बहुत स्पष्ट रूप से कंपनी का नाम अंकित होता है। किसी भी प्रकार के न्यायालयीन प्रक्रिया या किसी भी प्रकार के प्रलेखों के लिए, लिखित प्रलेखों के लिए कंपनी के इस प्रकार की सार्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अगली इसकी विशेषता ये है कि कंपनी को अभियोग चलाने का अधिकार होता है। अगर कंपनी चाहे और अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कंपनी न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन किसी दूसरे पक्षकार पर कोई अभियोग चलाना चाहती है, तो कंपनी बिल्कुल उस व्यक्ति के नाम से, उस कंपनी के नाम से या किसी दूसरे पक्षकार के नाम से अभियोग न्यायालय में चला सकती है। इसकी एक विशेषता के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें सदस्यों की जो संख्या है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनमें सदस्यों की संख्या कम से कम, यानी कि न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 200 तक हो सकती है प्राइवेट कंपनी की कंडीशन में। लेकिन जब हम सार्वजनिक कंपनी, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या की जब हम बात करते हैं तो वो अंशों द्वारा निर्गमित संख्या के आधार पर होती है। जितने अंश कंपनी निर्गमित करती जाती है उतने उस कंपनी के सदस्य बनते जाते हैं। तो सदस्यों की संख्या के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि संपत्ति का जो स्वामित्व होता है उसमें कंपनी का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी का अधिकार होता है। अंत किस प्रकार होता है कंपनी का, ये भी कंपनी की एक विशेषता के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो ठीक उसी तरह कंपनी का अंत भी विधान द्वारा या न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं।